नहीं है तुम क्या बात, मैं इसी पर थोड़ी देर बोलूंगा। पहले तो मेरा दिल किस में लग गया है भाई, मेरा तो दिल फकीरी में लगा है, और वो सुख अमीरी में नहीं है जो नाम भजन में है। अब दुनिया किसको समझ सकती है? दुनिया ये समझती है कि फकीर हुंदा जिसको पास कुछ ना हो, झोपड़ी में रहता हो, मांग के खाता हो, वो फकीर है। दाते दयाल ने मेरे सदगुरु बाबा फकीर जी का नाम उनको कहा कि तू फकीर बन, फकीर बन, फकीर बन मेरे भाई। इसका मतलब ये थोड़ी कि घर बार छोड़ दो, बात मेरी समझ रहे हो? वास्तव में फकीर कौन है? जिसके पास सब कुछ है लेकिन वो किसी को भी अपना नहीं मानता, वो फकीर है। क्या कहा मैंने? बात को समझने की कोशिश करो। सब कुछ होते हुए भी वो बंधन में नहीं आता, वो समझता है कि जो कुछ भी दिया है जो उस मालिक का है, मेरा कुछ भी नहीं है। जो ये समझेगा वो फकीर है, उसको फिर चिंता कोई नहीं रहती। कि चिंता खाई की रहेगी जब वो कहता मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा कुछ है ही नहीं, तो चिंता किस बात की? चिंता तो तब होगी जब मैं कहूँगा ये मेरा है, फिर मुझे भय होगा ये मेरा परिवार है, ये खेल है, ये खेल खेलता है संत, खेल खेल के यहाँ से चल जाता है। और वो कहता है जो सुख नाम भजन में है वो कहीं नहीं। नाम भजन क्या है? कहाँ रहते थे वो? कहाँ किस जहग्रह रहते थे? वो प्रेम की नगरी में रहते थे, और प्रेम की नगरी कहाँ है? तुम्हारे अंदर है। बाहर कहाँ है प्रेम? देखो तो कहीं है, नजर आता ढूंढो कहीं प्रेम है, मतलब के लिए प्रेम है, नहीं तो नहीं है। चाहे कोई हो, घर का हो, बाहर का हो, करके देख लो। मैं तो संत की वाणी बोल रहा हूँ, कबीर साहब की वाणी बोल रहा हूँ। मैं वहाँ रहने वाला हूँ जहाँ प्रेम है, और प्रेम कहाँ है? वो तुम्हारे अपने अंदर है, और वो तुम्हारे शरीर मन और आत्मा से ऊपर है। शरीर और मन में तो जब शरीर में आओगे तो शरीर का दुख महसूस करोगे, मन में आओगे तो मेरा तेरा होगा, आत्मा में जाओगे तो थोड़ा ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर और मन नहीं हूँ। क्या कहा मैंने? अगली लाइन क्या कही उन्होंने? फट बोल दो, दोबारा बोल दो यही शब्द आप। हाँ, ये फिर मैं और चलूंगा आगे, पहले कबीर साहब को तो सुन लो थोड़ा सा। भला बुरा सबको सुन ली है, कर गुजरान गरीबी में। हमने क्या लेना? सुना इधर से, सुना इधर निकाल दिया। मैं सुबह कोई ऐसी बात चल पड़ी, मैंने फिर कहा कि मैं किधर चल पड़ा, मॉडर्न दुनिया की बात करने लग गया, मैं किधर चल पड़ा, क्यों चल पड़ा, मुझे नहीं पता क्यों चल पड़ा, कि क्या हो रहा है देश में, क्या होगा कल। वो एक नक्शा आ जाता है ना सामने, एक सामने नक्शा आ जाता है कि होने वाला क्या है, तो वो फिर अपने आप को सोचता हूँ। तुम अपने मस्त रहो, सुखी में रहो, दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती, ये दुनिया मेरी नहीं है, मेरी दुनिया मेरे अपने अंदर है। इस बात को समझो, मेरी दुनिया, मेरा संसार मेरे अपने मन में है, और जब मैं मन से आगे चले जाता हूँ तो मेरा प्रेम नगरी शुरू हो जाती है। मन में प्रेम नगरी नहीं है, मन में स्वार्थ है, मन गिराता है, मन तुम्हें तंग करता है। मैं भी गिर जाता हूँ कभी कभी, आपको मैं बता देता हूँ, लेकिन दाता की मेहर इतनी है कि मुझे याद आ जाता है, ओ बाबा फकीर ने ये कहा था, वो वाणी मेरा साथ देती है। बात समझ गए ना? क्योंकि शरीर में हूँ, मानव शरीर में हूँ, देखता भी हूँ, सुनता भी हूँ, सब कुछ देखता हूँ, तो असर तो मन पर होता है, लेकिन फिर कब वो दूर होता है? जब प्रेम नगरी याद आती है कि जे तो देही देश तेरा देश है बेगाना, जहाँ सब बेगाने बसे कोई नहीं जगाना। गुरु ने तुम्हें उपदेश दिया, क्या उपदेश दिया? संत मत धार हिए तज मोह माया, ये माया है, मन के ख्याल सारी माया है, जिसमें अच्छाई भी है, बुराई भी है, नेकी भी है, बदी भी है, अपना भी है, पराया भी है, गुरु भी है, शिष्य भी है। जब तुम इससे ऊपर चल जाते हो वहाँ कुछ भी नहीं है। क्या कहा मैंने? वो है हमारी रहनी, असली रहनी वो है। आगे पढ़ दो।
प्रेम नगर में रहनी हमारी भली बन आई सबूरी में भली बन आई सबूरी में मन लागो मेरो यार फकीरी में आगे बेटा किसी और चीज को अपने नहीं समझता वो क्या बन जाता है, कहते मेरी सारी जगीर मेरी है, ये सारा ब्रह्मांड मेरा है, ये धरती सारी मेरी है, ये सारी कायनात मेरी है, क्योंकि सब में मैं ही बैठा हूं। दाता दयाल जी महाराज ने कहा, मुझे याद आ गया कि मैं किसकी पूजा करूं, किसकी, हर जगह तो मैं उसे अपने आप को देखता हूं, लेकिन ये मंजिल बहुत ऊंची है। मैं उस जब मैं जिप पढ़ा तो मैं विचार में चला गया और वाकई दाता दयाल जी महाराज ने लिखा कि मैं किसकी पूजा करूं, क्योंकि वो हर जगह है, सब जगह वो ही तो है, और वो कौन है जो सब में से निकला है, उस में से जो निकला है मालिक के कुल से, तुम सब जीव जो जितने हम हैं हम उस मालिक की अंश हैं, इसको हम भूल गए, इसको भूल कर हम बने हुए हैं कुछ ना कुछ। जब तक बनेंगे तो मन की जंजीर में बंधे रहेंगे। जब हम ये समझ लेंगे कि ओह शरीर मेरा यही बना और यही नष्ट हो जाएगा, मन मेरा यही हर रोज बनता है, रात को सो जाता हूँ मन पता नहीं कहाँ चल जाता है, फिर स्वप्न में चल जाता, फिर मुझे तंग करता है, मेरी बात को समझ रहे हो। जब हम शरीर मन से आगे चले जाते हैं तो फिर पता लगता है कि मैं तो सर्वव्यापक हूँ। दाता दिन यही तो लिखा, फकीर तू सर्वव्यापक है, मैं भी सर्वव्यापक हूँ। वहां लिखा दाता दयाल ने, शहर हो गया हूँ, धाम पर लिखा शहर हो गया हूँ, शहर मीन मैं चारों तरफ फैल गया हूँ। याद करोगे तो खुशी नहीं, भूल जाओगे तो गम नहीं। ये दाता दयाल जी महाराज की वाणी में आपको बता रहा हूँ, जो उनकी समाधि के ऊपर लिखी हुई है, जहाँ उन्होंने अपना चोला त्यागा था। तो इसलिए संत मैं कहता हूँ कबीर ना बनो, मैं ये भी नहीं कहता कि हम गुरु नानक नहीं है, लेकिन हम गुरु नानक की अंश तो है, हम कबीर की अंश हैं, गुरु नानक की अंश हैं, गुरुओं की अंश हैं, तो फिर हम क्यों भटके हुए हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ हम भूल गए, हम कृतघ्न हैं, सबसे बड़े कृतघ्न हैं कि हमने अपने बुजुर्गों की बात को मानने से इनकार कर दिया। मैं बैठक बात कर रहा था, मेरे अनुभव में जो बात आई जो मैं कहना चाहता हूँ, मैंने थोड़ा थोड़ा सुना, मैंने सुना जो सतयुग है वो क्या है, वो बचपना है, बच्चे का जीवन छोटा है, वो सतयुग में रहता बच्चा, बच्चा सतयुग में है, उसका ना कोई अपना है ना कोई पराया है। कभी उसको देखा आपने, परमदयाल जी महाराज कहते थे ईश्वर का दर्शन करना है तो छोटे बच्चे का दर्शन करो, क्योंकि उसमें कोई वैर विरोध नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, कोई ना जाति है ना पाती है ना धर्म है ना कर्म है, कुछ भी नहीं, वो असली रूप है मालिक का। और फिर उसके बाद त्रेता युग आ जाता है, जब वो चलने लग जाता है तो फिर महादास ने त्रेता हो गया, फिर क्या हुआ आगे द्वापर युग आ गया भगवान कृष्ण का, उसमें क्या हेरा फेरी 420 क्या कुछ नहीं हुआ महाभारत में, हुआ ना। और कल जो हाँ तो लिमिट ही कोई नहीं, जहाँ तो सच्चाई पंख लेकर उड़ गई है, धर्म भी पंख लेकर उड़ गया है, जहाँ केवल स्वार्थ रह गया है, कहीं कुछ नजर नहीं आता, पैसा ही प्रधान हो गया है, इसलिए इस देश में क्या रहना क्या सुनना, यहाँ की क्या बात करनी है। ए इंसान तू अपने आप को पहचान ले, बाकी दुनिया की परवाह करना बंद कर दे, तू सारी जगीर का मालिक है। कौन? शरीर नहीं, मन नहीं, आत्मा नहीं, तू मालिक के कुल की अंश है।
जिसकी हर जगह आवाज है। गुरु गुरु नानक साहब का है, शब्द धरती शब्द आकाश शब्दों शब्द भय प्रकाश, हर जगह शब्द ही शब्द है, कोई जीव जंतु बगैर शब्द के नहीं है। वृक्ष भी आपस में बात करते हैं, छोटे छोटे पौधे भी आपस में बात करते हैं, जमीन पर चलते हुए कीड़े भी आपस में बात करते हैं, उनको ध्यान से देखो वो मिलते हैं रुकते हैं फिर आगे चलते हैं, करते हैं ना बात आपस में अपनों में, तो उनमें कौन है, उनमें भी वही बुद्धि है, उनमें भी वही सुरत है जो हमारे अंदर है, लेकिन हमने तो अपने आप को सीमित कर लिया, कोई धर्म में बध गया, कोई जाति में बध गया, कोई पार्टी में बध गया, और देश की हालत देखकर जी घबराता है कि क्या हो रहा है, ये हम किस देश में पैदा हुए, किस देश में जहाँ ऋषियों ने बहुत कुछ लिख दिया, और सबसे ज्यादा अंत में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तो कमाल ही कर दिया, मैं उनको सर झुकाता हूँ उनकी हस्ती को, ऐसा ग्रंथ लिखा उन्होंने जिसमें सर्वधर्म को बांध कर रख दिया, कोई वैर विरोध नहीं है, कोई देश का ख्याल नहीं है, सभी देश के संतों की वाणी आपको श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में मिलेगी, सभी महापुरुषों की वाणी आपको वहां मिलेगी, और वो एक ऐसा मंदिर है जहाँ चार दरवाजे हैं, एक दरवाजा नहीं है वहां चार हैं, तो वो सर्व साझा हुआ कि नहीं हुआ, फिर हमें क्यों द्वेष है, मैं ये कहना चाहता हूँ क्योंकि हम कृत घन हैं, हमने अपने गुरुओं को नहीं पहचाना, हमने अपने संतों को नहीं पहचाना, हमने ऐसी वाणी को नहीं पहचाना जो कबीर साहब आदि संत गुरु नानक साहब आदि संत ले गए, इसलिए मैं इस वाणी को श्रद्धा के फूल चढ़ाता हूँ जिन्होंने हमें बताया कि जीना कैसे है, आगे पढ़ो बेटा आगे सामने ये शरीर क्या बनेगा आखिर में शरीर क्या होगा खाक, तो किस बात की मजबूरी करना। आज मैं सुबह नहा रहा था, मैं नहाता हूँ ना तो बड़े विचार में रहता हूँ, सुबह मैं जब पैर धोने लगा मैंने कहा वाह, और ये असली पूजने जोगे, ये असली चीज जो मुझे गुरु बाबा फकीर के चरणों में लेकर गई, ये तो चेहरा नहीं लाके गया, हम चेहरे को देखते हैं इसकी तो कदरी नहीं करते हम, ये हमें लेके जाता है साध संगत में, भाग्य अच्छी हो तो ये लेके जाता है गुरु साहिबान में, भाग्य अच्छी हो तो ये हमें गुरुद्वारे में लेके जाता है, अगर भाग्य अच्छी नहीं हो तो आपको मैं खाने में भी ले जाएगा, आपको बुरी संगत में भी ले जाएगा, इनको पहले पूछ लिया करो कि मुझे कहाँ लेके जाना है, क्या कहा मैंने मेरी बात को समझो, इनको पहले पूछ लिया करो कि आज मुझे तुमने कहाँ लेके जाना है भाई, मैं नहीं जा सकता तेरे बगैर नहीं जा सकता, ये पैर हैं आपके जिन गुरु को मिलाते हैं, ये पैर हैं आपके जो तुम्हें संतों के साथ मिलाते हैं, ये आगे जाकर फिर तो बिन पैर वहाँ जाना है, पहले पैर के साथ जाना फिर बिन पैर वहाँ जाना है, फिर वहाँ बिन आँख जाना है उसको देखना, फिर बिन कान उसको सुनना है, फिर बिन जबान बोलना है, ये तो ऊंची बात में कर दी आप लोगों के साथ, कबीर साहब हमें अलाना दे रहे हैं, हमें चैलेंज कर रहे हैं, कादी मगरूरी कर रहे हैं, तू बंदिया किस बात का तुम्हें बहुत ज़्यादा मगरूर चढ़ा हुआ है, बड़ी बिल्डिंग बना ली या बड़ी गाड़ी रख ली या तेरे पास तो कुछ भी, अरे तू शुक्र कर उस मालिक ने तुम्हें सब कुछ ठीक दिया है, तेरा शरीर ठीक किसने दिया उसने दिया, तुम्हें संगत किसने दी उसने दी, तुम्हें अच्छी औलाद किसने दी उसने दी, तुम्हें अच्छी पत्नी किसने दी उसने दी, जिसने आज्ञाकारी बच्चे दिए उसने दिए, तुमने क्या किया फिर, तू काहे का ठेकेदार बना हुआ है, पल पल पर उसी का ही शुक्र कर लो भाई,
बैठते हो तो भी उसका शुक्र कर लो, उठते हो तो भी उसका शुक्र कर लो, खाने बैठते हो तो भी उसको शुक्र कर लो, खा लिया तो भी शुक्र कर लो, काम पर जाते हो तो उसको याद करके जाओ, काम से वापस आते हो तो उसको याद करके आओ, तुम्हारी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। क्या कहा मैंने? आगे बढ़ो बेटा। कह कबीर सुनो भाई साधो, कह कबीर सुनो भाई साधो, साहिब मिले सबूरी में, साहिब मिले सबूरी में, मन लागो यार फकीरी। वो साहब कब मिलेगा? जब हमें सब्र हो जाएगा कि तू मिल जा बस, और कुछ नहीं चाहिए, मगर हमारी तो डिमांड है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी मिल। उसको तो कभी हम मांगते ही नहीं है, उसको कोई मांगता है? कोई नहीं मांगता। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अरे कुछ ना मांगो, उसी को मांग लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसको कहते हैं सबूरी हो गई, सबर आ गया, उस पर विश्वास हो गया कि जो करिए सोई भला, ये विश्वास हो गया कि जो करिए, जो कुछ वो कर रहा है, ऐ इंसान तेरे भले के लिए कर रहा है, तू मन में क्यों झंझट में फंसा हुआ है, मैं ये नहीं हुआ, हाय क्यों नहीं हुआ, ओए भगवान ने मैनु मार दिता, वो ये कर, ये सब हमारे मन के झंझट हैं, रोना है, माया है, इस माया को समझो और उधर चलो जहाँ गुरु महाराज इशारा करते हैं। क्या कहा मैं? कल परसों में बैठा था अपने कमरे में, सोचता था कि क्या कहूँ आज, तो दाता की किताब उठाई तो एक शब्द निकला दाता का, वो मैं आज आपको सुनाने जा रहा हूँ। सुनो, गुरु नानक साहब ने जपजी साहब में एक शब्द लिखा बहुत प्यारा, परिये हाथ पैर तन खे, पानी तोते उतर सो खे, उतर जाती है, परिये मत मूत पलीती कपड़ होए, दे साबल दे ओ तो है। दूजी बात कही, तीजी बात कही, परिये मत पापा के संग, ओ तो पै नामे के रंग, वो कब उतरेगी? तीन चीजें हो गई, बाहर का शरीर हम पानी से धो सकते हैं, साबुन लगा लो, जो मर्जी कर लो, शैम्पू लगाओ, साफ कर लोगे, मिट्टी उतर जाएगी, और हमारे कपड़े गंदे हो गए तो उनके लिए साबुन है, साबुन लगाओ, कह दिया दादा कभी गुरु नानक साहब जी महाराज ने कि भी तुम्हारे कपड़े भी खराब हो गए तो अभी तुझे दे साबुन लिए हो तो ये ठीक हो जाएंगे। मगर एक काम जो हम करते हैं, परिये मत पापा के संग, कोई ऐसा बुरा कर्म ना करो, कोई ऐसी कर्म ना करो, कोई ऐसा ख्याल ना करो जिससे तुम्हारा अंतःकरण गंदा हो जाए, अंतर अंदर तुम गंदे हो जाओ, क्योंकि पाप का असर अंदर होता है, बुराई का असर अंदर होता है, 420 का असर अंदर होता है, धोखा देने का असर भी हमारे सर पर पड़ता है। तो वो काहे के दो नाक कैसे उतरेगा, वो अंदर की मैल कैसे उतरेगी? क्या गंगा में स्नान करने से उतर जाएगी? क्या हमने गंगा स्नान कर लिया अब हमारे को सब पाप धुल गए? ये नहीं धुलेंगे, ये किससे धुलेंगे? केवल नाम की कृपा से धुलेंगे, केवल नाम अंदर से जो है वो हमारे को साफ कर देता है। और इसलिए गुरु नानक सबसे बड़ी बात जो संतों ने की हमारे ऊपर कृपा करके, कबीर साहब से लेकर गुरु नानक साहब जी महाराज, बाकी गुरु साहबान ने जो परंपरा चलाई वो है संगत और फिर है पंगत। पहले गुरु की संगत में जाओ, उनकी वचन सुनो, उनके उनकी वाणी को सुनो, और उसके बाद अपने लंगर में जाकर भोजन पाओ। ये परंपरा जो है ये मेरे देश की महान परंपरा है, ये मेरे देश का एक बहुत उन्नत, जिसको मैं कहूँगा हमारे जीवन को बनाने का एक रास्ता है। लेकिन हमने तो उसको समझ लिया कि लंगर लगना, रोटी खा के आ जाना बस। क्या कहा मैंने? कहने की पत्नी को कहते कुछ और ही नाम लेते हैं कि जाते जाते हमारे
भंडारा भंडारा भंडारे से जा रहे हैं या कहा भंडारे से जा रहे हैं। नाम सत्संग का नहीं लेते कि सत्संग में जा रहे हैं, क्योंकि रोटी का मसला है भंडारे पर। जब मैं कई दफा बोल देता हूँ तुझे भंडारा क्यों कहने हो भाई, सत्संग नाम लेंदे तो हम तकलीफ होंगी है, तुझ क्यों नहीं कहते गुरु जी सत्संग संगत जा रहे हैं, क्या कहा मैंने। तो मैं आज आपको दाता दयाल जी का एक शब्द सुनाता हूँ जो मुझे बहुत प्यारा लगता है। वो कहते हैं कि संत करता क्या है, जो संत होता है वो करता क्या है, वो तुम्हारे अंतःकरण को साफ कर देता है। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे कि डॉक्टर लोग तो शरीर की चीरफाड़ करते हैं, मैं मन की चीरफाड़ करता हूँ, इसलिए लोग डरते मेरे पास नहीं आते, थोड़े आते हैं। कोई भी अपने मन की चीरफाड़ नहीं कराना चाहता, कोई अपने आप को अंदर से साफ नहीं करना चाहता, इसलिए लोग मेरे पास बहुत कम आते हैं और मैं बड़ा खुश हूँ। फिर कहा करते थे सिंहों के लहने नहीं हंसों की नहीं कतार, सिंहों के शेरां दे चुन नहीं होंगे, हंसा की कतार नहीं होंगी, लालों की नहीं बोरियां, लालों की बोरियां नहीं होती, हीरे जवाहरात की बोरियां नहीं होती, संत न चले जमात, संत की जमात बहुत बड़ी नहीं होंगी है, उत्ते थोड़िया नाल ही रखता प्यार अपना, बाकी की तो की लेना। तो दाता दयाल जी महाराज आज कुछ कहने लगे हैं, दोबी आ प्रगटा जग में सजनी लीजो चुनरी दुलाए, आहा चुनरी कहाँ लेते हैं, हम सिर पर लेते हैं ना, तो उन्होंने हम सबको चुनरी पहना दी है, और जो जो कुछ भी बुराई है वो कहाँ है, अच्छाई बुराई नेकी बदी मेरा तेरा ये कहाँ है, हमारे दिमाग में है, जहाँ है कि और कहीं है, मन में है तुम्हारे, जो कुछ भी है ऐसी बातें जो भी आती मन में, तो ये हमारी चुनरी ये है असल में ये। तो दाता दयाल कहते हैं क्या पढ़ रहे शब्द पर दाता दयाल जी महाराज का निकला जी, हाँ पढ़ो। राधा स्वामी धोबिया प्रगटा जज में सजनी, धोबिया प्रगटा जज में सजनी लीजो चुराए धुलाए। अब दाता दयाल जी महाराज ने कोई फिक्स नहीं किया कि मैं ही धोबिया आया, वो कहते हैं जहां भी तुम्हारा चुनरी साफ होती है वही धोबी अच्छा है तुम्हें। अब धोबी तो अब खत्म ही हो गए ना, अब तो मशीनें आ गई, ऑटोमेटिक आ गई मशीनें। पुराने जमाने में यहाँ होशियारपुर में एक धोबी घाट होता था चौक के पिछले पासे, मुझे पता है वहाँ चौक में पानी चलता रहता था, वहाँ कपड़े धोते थे, धोबी घाट था, अब वो है नहीं, खत्म हो गया, धोबी भी खत्म हो गए। तो अब कहाँ, अब कौन धुलवाएगा हमारे कपड़े, कपड़े तो घर में मशीन धो देती है, लेकिन मंदिर इसको कौन साफ करेगा, इसके लिए एक खास धोबी है, वो है संत महापुरुष। कौन से संत महापुरुष, जो कबीर साहब ने कहा, जो कबीर साहब ने कहा वो है संत पुरुष। बड़े देरों मैं नहीं कहूँगा, नहीं कहूँगा, विद्रोह करता हूँ, जिनको स्वार्थ है वो संत नहीं हो सकता, ये कह दूंगा। जो स्वार्थ है किसी का, किसी भी चीज का स्वार्थ है, वो धोबी नहीं हो सकता, धोबी नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। कौन होगा, कबीर साहब ने पहले कह दिया, मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, क्या करता है वो धोबी, पढ़ो। धोबिया प्रगटा जग में सजनी लीजो को दला लो भाई, ये बहुत गंदी हुई हुई है, कैसे गंदी हुई है, आगे पढ़ो। जन्म जन्म की मैली चुनरिया देखत जिया घबराए। वो कहते हैं ये चुन्नी जो हमारा मन जो है ये आज नहीं बना, ये भी बता दूं आपको, हमारा जन्म इस मन के कारण ही हुआ, क्योंकि जब मैं चोला पिछला छोड़ा होगा
तो मेरे मन में कोई ख्याल था, क्या ख्याल होगा? मैं आज महसूस करता हूं कि हाय मुझे मेरा गुरु नहीं मिला, वो वासना मुझे वापस लेकर आई। इसीलिए 6 साल की उम्र में मुझे माँ ने गुरु का, जो गुरु का संस्कार दिया कि बच्चा तेरी हर बात का जवाब गुरु देगा और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मुझे विश्वास हो रहा है कि पिछला जन्म जो मेरा था वो गुरु भी होना चला गया। मैं किसी तलाश में था लेकिन वो गुरु नहीं मिला, वो मुझे पूरे घर का पता नहीं दे सका, तो मेरा चोला छूट गया और मेरा मन दोबारा मुझे ये ले आया और मुझे पापा फकीर के चरणों में ले आया। जन्म जन्म का हमारे संस्कार हैं, जन्म जन्म से हम पति पत्नी बनते आए हैं, बच्चे बेटे बनते आए हैं, ये सिलसिला चलता है। आप किसी भी उच्च कोटि के ज्योतिषी से पूछ कर देख लो, वो तुम्हें बता देगा कि तुम पिछले जन्म में क्या थे। मेरे दादा परमदयाल जी महाराज के पास कुछ लोग आते थे तो उनको कहते जाओ भृगु संहिता से पूछ के आओ, और भृगु संहिता जो लिख देता था वो सारा पिछले जन्मों का हिसाब बता देते थे। कई कहानियां मेरे दादा बताया करते थे, मैं उन कहानियों को क्या कहूँ। तो ये जन्म जन्म की हमारी जो ये जो मस्तिष्क में हमारी गंदगी भरी हुई है, जब आशाएं भरी हुई हैं, जब कामनाएं भरी हुई हैं, जब बुराई भरी हुई है, दाता कहते हैं इसको जा, जे तेरा एक जन्म का चक्कर नहीं है, बार बार इसको धोना पड़ता है, गुरु मिला तो वो साफ कर देगा तेरे मन की चाली चुनरिया को। फिर पढ़ो यही लाइन, जन्म जन्म की मैली चुनरिया देखत जिया घबराए। किसको पता लगता है इस चीज का कि उसके मन में क्या है? जहां बैठते थे परमदयाल जी महाराज कहते थे बच्चों वो बंदा जेड़ा आ रहा मैनू नजर आता प्रदर्शन की है तो उसके अंदर में क्या है पता बता देते थे। वो बात समझ गए, क्योंकि तुम्हें अपना नहीं पता, तुम्हें अपना जजमेंट नहीं है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे अंदर में क्या हो रहा है, तुम देखते नहीं है। तो संत जानता है कि उसको देखा तो जिया घबरा जाता है कि ये क्या मन में लेकर आया मेरे पास, इसका मन शुद्ध नहीं है, इसका मन। इसलिए मेरे दादा ने मुझे क्या कहा, मुझे क्या आदेश दिया, बच्चा मन की किताब पढ़ना है। तुम मन को ही खत्म कर दिया, किताब खत्म हो जाती है ना, कभी कोई किताब सदा रहती है, पढ़ते पढ़ते किताब खत्म हो जाती है, तो मन की किताब भी खत्म हो गई। मन की किताब खत्म हुई तो कहां पहुंचा, प्रेम के देश में पहुंच गया। क्या कहा मैंने अशोक बेटा आपको, फिर प्रेम के देश में पहुंच जाओगे जब ये मस्तक साफ हो जाएगा, जब ये चुनरी साफ हो जाएगी, वरना तुम वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए कहते हैं जाओ उस धोबी के घाट में जाओ जो तुम्हारी चुनरी को, जो जन्म जन्म से मैली उसको धो दे। आगे पढ़ो, काम तो दे कीचड़ लपटानी, काम तो दे कीचड़ लपटानी, दुर्गंध बास बसाए। अब एक बात कह दी, ये दो शब्द यूज किए दाता दयाल ने, काम और क्रोध। ये दोनों बहन भाई नहीं, दोनों भाई हैं, बहन भाई नहीं कहूंगा, काम क्रोध दोनों भाई हैं, एक दूसरे के साथी हैं। कोई कामना तुम्हारी नहीं पूरी हुई तो तुम्हें क्रोध आता है, विचार कर लो। कोई भी कामना ले लो आप, जब वो पूरी नहीं होती तुम भगवान को भी बुरा कह देते हो कि नहीं कहते हो, कह दो, करो अपने आप में विचार। ये कामना जो है ये कामना दुनिया की है, जब तक दुनिया की कामना रहेगी क्रोध साथ रहेगा, उसको कोई टाल नहीं सकता। जब तक तुम ये नहीं समझोगे कि कामना करनी क्या है, कौन सी कामना करनी है, कौन सी कामना, कौन सी इच्छा करनी है, कौन सी वासना मैंने करनी है, मालिक को मिलने की सबसे ज्यादा अच्छी वासना है, वहां तुम्हें कभी क्रोध आएगा ही नहीं। तुम्हें अगर आएगा क्रोध तो तुम्हें अपने ऊपर आएगा कि आज मैं क्यों नहीं बैठा, आज मैंने क्यों नहीं स्मरण किया, आज मेरा ध्यान क्यों नहीं लगा, मैंने आज क्या खा लिया कि मेरा मन नहीं टिका,
जरा करके देखो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं। इसलिए दाता दयाल जी कहते हैं कि सबसे ज्यादा जो हमारे मन में गंदगी है, जो धोड़ी है, वो कामना और क्रोध है। जब आपके मन में केवल उस मालिक को मिलने की इच्छा पैदा हो, मुझे बताइए जिसको मालिक मिल जाए उसको कुछ मांगने की जरूरत है? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब तुम्हें पता लग गया कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं आत्मा नहीं हूं, मैं उसकी अंश हूं, तो अंश का तो वंश ख्याल करता है। दुनिया में क्या करते हैं, दुनिया में अंश, अपनी अंश का कौन नहीं ख्याल करता? अपने बच्चे का कौन बाप नहीं ख्याल करता? अपने बच्चे को कौन नहीं चाहता कि अच्छा शादी हो जाए? हो करते हो कि नहीं? तो जब हम वो अंश बन जाते हैं, मन से ऊपर चले जाते हैं, तो तुम मालिक की गोद में होते हो, फिर कुछ भी मांगने की जरूरत नहीं है। तुम्हें वो खुद देगा जो तुम्हें चाहिए, करके देख लो। मैं गारंटी से कहता हूं ये बात आपको। क्या कहा? मगर हम तो दुनिया मांगते हैं, तो दुनिया मांगेंगे तो दुख भी होगा, सुख भी होगा, और क्रोध भी आएगा, और बीमारी भी आएगी, सब कुछ आएगा। तुम बच नहीं सकते हो। जब तुम्हें क्रोध आता है तो बीमारी साथ आती है, जब तुम्हें चिंता आती है तो बीमारी साथ आती है। इसलिए संत कह गए, वो चिंता करना छोड़े, जब तुम्हें चिंता सतावे गुरु का तुमको ध्यान हो। कभी सोचो तो तुम सोचे कभी अद्दा भी मेरा मालिक मैंने चिंता क्यों आई है? कभी अपने आप को सोचो, तुमने कभी विचार किया कि मैं चिंता में क्यों गया? क्योंकि मुझे उस पर विश्वास नहीं रहा। जिसको विश्वास नहीं है अपने मालिक के ऊपर, जिसको सबूत ही नहीं है, वो चिंता से कभी भी फ्री नहीं हो सकता। वो सुबह में भी चिंता में रहेगा, दोपहर को भी चिंता में, रात में भी नहीं सोएगा। क्या कह रहा हूं मैं अभय कुमार? दाता दयाल जी महाराज की वाणी है, इसलिए फिर पढ़ो यही लाइन। काम क्रोध काम क्रोध की चढ़ लपटानी, दुर्गंध वास बसाए। आप क्रोधी आदमी के पास कभी बैठ के देख लेना, तुम भी बेचैन हो जाओगे। प्रेमी आदमी के पास बैठ के देखो, तुम्हें बहुत आनंद आएगा। वाइब्रेशन निकलती अंदर शरीर से, जैसा इंसान होता है उसके अंदर से वैसी रेडिएशन निकलती है, चल रही है। बात समझ गए? परमदयाल जी फकीर जी महाराज कहा करते थे कि पुलिस वालों ने कुत्ते पाले होते हैं, तो वो कुत्ता क्या करता है, वो देख लेते कि चीज़ चोरी हुई है, वो चीज़ को सुखा देंगे और कुत्ता जाकर उस आदमी को पकड़ लेगा। क्योंकि कुत्ते में सिक्स सेंस है, उसमें बहुत पहचान है कि ये क्या चीज़ है। आर्मी में भी कुत्ते हैं, ऐसे ही पुलिस वालों के पास भी कुत्ते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं, हमें नहीं पता, संत की पहचान है। इसलिए बाबा फकीर जी महाराज कहते थे, तुम लोग मेरे पैरों को हाथ लगाते हो, तुम्हारी रेडिएशन मुझे मारती है। वो पैरों को हाथ लगाना अच्छा नहीं समझते थे, तुम्हारे ख्याल अच्छे नहीं है, तुम मेरे टच करते हो मुझे पता लग जाता है कि तुम्हारे अंदर क्या गंदगी है। क्या कहा मैंने? इसलिए दाता दयाल कहते हैं कि बहुत गंदगी है हमारे मन के अंदर। भाई आओ संत की चरण में चले और वहां उनकी वाणी को लेकर इसको जरा साफ कर दे। कैसे करेंगे साफ? आगे करो। धोबिया चतुरसियाना, धोबिया चतुरसियाना, ओ घट घाट लगाए। अब दाता दयाल कहते हैं जो धोबी आया है गुरु के रूप में आया है, वो बहुत सियाना है। चतुर बुरा नहीं होता शब्द, चतुर होता है जो बात को समझता है, जो हर इशारे को समझता है, वो चतुर होता है। सुजान वो होता है जिसने मन के ऊपर अपना कब्जा किया हुआ है, वो सुजान है। इसलिए वो कहते हैं धोबिया बहुत अच्छा आया है और उसने एक घाट बनाया है। धोबी घाट पर ही होता है ना, उसने घाट कहाँ बनाया है? तुम्हारे अपने अंदर बनाया है, ये है उसका घाट। तुम्हारे अंदर उसने अब घाट सजाया। अरे जाओ, कुछ नहीं करना, तुसी बैठ जाओ और जो वो कहता है, जो वो वचन कहता है, उसको अपने घट में लेते जाओ, वो साफ करता जाएगा। सत्संग की यही तो महिमा है कि शब्द शब्द जो है
ये अशब्द को पार कर देता है, शब्द जो है ये दुख को दूर कर देता है, शब्द जो है सबसे बड़ी मरहम है, शब्द जो है सबसे बड़ा साबन है जो तुम्हारे अंतःकरण को धो देता है। दादा गुरु नानक साहब ने तभी तो लिखा, मूत प्रीति कपड़ होए दे साबन लियो धोए, पर ये मत पापा के संग वो तो पे नामे के रंग। गुरु नाम देता है, नाम क्या है वाणी, नाम क्या है हदायत, नाम क्या है जिसको कहते हित प्यार, हित से बात करता है कि प्राणी आया है ये दुखी है, ये मालिक के दे दुख दूर हो जाए, बस उसकी रेडिएशन निकलेगी, आपको शांति मिल जाएगी, आपको विश्वास हो जाए बाबे ने ये गल कह देती ये हूँ ठीक हो जाने। क्या कहा मैंने, मुझे कई दफ़ा कहीं से टेलीफोन आ जाता है, बाबा जी राधा स्वामी, मैं कहा हाँ बच्चा दसो कितना जा, बस थोड़ी गल जा शब्द सुनना सी, तुसी आशीर्वाद दे देता मेरा काम हो गया। ल दस हाँ 1000 किलोमीटर से या 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर बंदा बैठा, क्या हुआ मेरे अंदर क्या होता है, मेरे अंदर हित है, जो आए सो राजी जाए, मैनू कोई मंत्र नहीं आंदा, मैनू कोई जंतर नहीं आंदा, मेरे सिर पर बाबे फकीर का हाथ है, यहाँ मेरे सिर पर है, इसलिए मैं दर्द दिल से तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूँ और तुम्हारा अंदर धो हो जाए, तुम्हारा काम क्रोध चला जाए, तुम्हारे ये जो गंदगी अंदर आई है ये दूर हो जाए, और वो तुम्हारे अपने अंदर है, वो सत्संग शिला पर जाएगी। कैसे आगे बढ़ो, करम की भट्टी तप की अग्नि, करम की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाए। अब वो कैसे धोते हैं, वाह वाह क्या बात कही दाता दे, कर्म की भट्टी, अब तुम क्या कर, तुम ये कर्म कर रहे हैं, बैठे हो ना कर्म कर रहे हैं, और साथ ही तुम्हारा तप भी हो रहा है, तप है दिल से बैठे हो, कहीं मन बाहर नहीं, अगर मन तुम्हारा बाहर है तो कोई असर नहीं होगा, मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हो तो तुम कर्म कर रहे हो, किसी वाणी को गुरबाणी को संत की वाणी को गुरुद्वारे में बैठकर गुरु ग्रंथ साहब जी वाणी को सुनना वो एक कर्म है, और फिर वहां जान तन थिर मन थिर, तन भी थिर है तुम्हारा मन भी थिर है, तो इस वक्त आपका तप हो रहा है, और फिर साबुन कौन सा लग रहा है, ज्ञान का साबुन, सतगुरु का वचन ज्ञान का साबुन है। बात को पकड़ा आप लोगों ने, गुरु के पास जाने का फायदा यही है कि वहां तुम ठहर जाते हो, वहां दुनिया का ख्याल भूल जाते हो, अगर वहां बैठकर भी तुम्हारा मन बाहर है तो वो साबुन उसको नहीं लगेगा, गुरु की वाणी का साबुन आपको नहीं लगेगा, और अगर आप वहां ठहर नहीं हो बैठे हुए तो भी वो साबुन नहीं लगेगा। इसलिए कहते हैं तुम्हारे अंदर अब उन्होंने एक घाट बनाया है, और फिर क्या है, तुम तप कर रहे हो और तुम कर्म भी कर रहे हो, और गुरु साबुन लगा रहा है अपने वचन का, फिर क्या होगा, जब साबुन लगेगा फिर क्या होगा, आगे पढ़ो, कर्म की भट्टी तप की अग्नि, ज्ञान का साबुन लाए, सत्संग शिला पे मलि मलि धोए, सत्संग शिला पे मलि मलि धोए, चूनर मैल भराए, फिर वो सत्संग की शिला पर मल मर के धोते, बार बार बात को कहते हैं, रिपीट करते हैं, जैसे मैंने कहा मूत प्लीति कपड़ होए दे साबुन लियो धोए, पर ये मत पापा के संगो तो पे नावे के रंग। नाम क्या है, नाम दुनिया दौड़ी हुई है नाम लेने चले, अरे नाम सत्संग में मिलता है, हाउ टू लिव इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जीना कैसे है वो है, और सत्संग शिला में क्या किया दाता ने, मल मल के धो दिया, उसको साफ कर दिया, बार बार रिपीट किया, ए इंसान तू अपने मन की वासना को रोक, ए इंसान एक तेरा मालिक है उस पर विश्वास रख,
वो कहीं मंदिर में या कहीं गुरुद्वारे में या कहीं और नहीं, बुरा ना मानना मेरी बात को, वो तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल में है, तुम्हारे दिल तुम्हारे अंदर है। वो कौन है? वो मालिक की अंश है, और उस अंश को उस वंश से मनाने की कोशिश करो। जैसे पीछे एक शब्द गाया गया था, काहे रे बन खोजन जाई, अरे बन में क्यों जाते हो, सर्वनिवासी सदा लेपा तुम्हारे संग समाई। गुरु नानक गुरुवाणी कहती है कि तुम कहाँ भागे फिरते हो भाई, वो सब जो हर जगह है वो तो तुम्हारे अंदर है, वो तुम्हारे अंदर है। कैसे? पुह मध्य जो बास वसत है मुकुर माहे जो ईशाई, जैसे कैसे है वो तुम्हारे अंदर, जैसे फूल में सुगंध होती है, नजर आती है लेकिन पास जाओगे तो सुगंधी मिलेगी। पुप मध्य जो बास वसत है मुकुर माहे जो ईशाई, जैसे शीशे में तुम्हारा रूप अपना आ जाता है, कोई और तो नहीं होता शीशे में, तुम ही होते हो ना, लेकिन वो शरीर का रूप है, तुम्हारा असली रूप थोड़ी है वो। तुम्हारा असली रूप तो हो रहा है, उसकी शक्लें कोई नहीं है, वो तो बेनाम है, बेरूप है। उसको देखो तो जरा अपने अंदर जाकर तो पता लगेगा। जब तुम्हारी ये चुनरी अच्छी तरह से धुल जाएगी फिर तुम्हें अपने दर्शन होंगे, उससे पहले नहीं हो सकते। क्या कहा मैंने? इस चुनरी को दिलाओ, पहले अपने मन की बुराइयों को निकालो, अपना ये वैर विरोध, ये मेरा वो मेरा, अरे कुछ भी नहीं है। तो कबीर साहब ने कहा, उनका एक शब्द है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा। तुम्हारे शरीर में जो पूछो, तुम्हारे शरीर में क्या है, कभी सोचा तुमने बैठकर मेरे अंदर की है? ये शरीर में तुम्हारा नहीं है, तुम तो इसमें कर भी कुछ नहीं रहे हो। बताओ मुझे कोई इंसान बताए कि मैं अपने शरीर में ये कर रहा हूं, मैं खाना पचा रहा हूं, मैं दिल मेरा धड़क रहा, मैं धड़कन रहा, मैं करता था, मेरे दिल नूं इतना इतना मैं कर रहा, मेरी नब्ज मैं आप चला रहा, कोई बताए? माई का लाल बताता कोई? कौन करने वाला है? ना कोई अंदर तुम्हारे, उसको पहचानो तो फिर। क्या कहा मैंने? लेकिन उसको पहचानोगे तभी जब तुम्हारी चुनरी साफ हो जाएगी, फिर पढ़ो यही लाइन, सतसंग सिला पे मल मल धोए, सतसंग सिला पे मल मल धोए, चूनर मैल भराए। जेड़ा ज्यादा कपड़ा मैला होया होंदा ना उन्हें ज्यादा साफा लाना पैंदा। और जे साडा मन कितना, इसलिए संतों ने कहा, ए इंसान तू सत्संग में जाना, अपना धर्म बना ले, हो सके तो रोज सत्संग कर। रोज सत्संग भी होता है, रोज भी होता है। कैसे? सुबह उठ गए, नहा के बैठ गए, जो सत्संग में सुना उस पर मनन किया, उस पर विचार किया। सत्संग में क्या सुना था? तुम्हारा सत्संग हो गया, तुम गुरु को देख रहे हो कि मैं कल उठे बैठा सी, बाबा फकीर जी महाराज के पास बैठा था, वो ये कह रहे थे, उन्होंने ये कहा, ये कहा, ये कहा, तुम्हारा सत्संग रोज ही हो गया कि नहीं हो गया? क्या कहा मैंने? फिर शाम को कर लो, फिर थोड़ा सा अनु रिपीट कर ले, हफ्ते बाद फिर आ जाओ, फिर मेरे को बैठ के, मैं दौड़ा आता था, मुझे अपना वक्त ज्यादा आता है। मुझे मेरे प्रोफेसर कहते थे, ओ यार कमल तू 4 बजे उठ के कितने में चल जाना, मैं क्या मेरी बैटरी कमजोर हो गई, बैटरी चार्ज करान जाता हुशियारपुर बाबा फकीर को। बात समझ गए? दिन नहीं कटते थे, कब आए इतवार में दौड़ जाऊं, कब आए जेठा इतवार में एक दिन पहले वहां चला जाऊं, ये होता है। तो ये कपड़ा तब धुलता है, दस नहीं धुलता। आए और बैठे और चले गए, इधर उधर की बातें सुनी, वो सत्संग थोड़ी हुआ। फिर पढ़ो अगली लाइन आगे चलो। फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, फटे न बिगड़े सूत न बिखरे, सहज साफ कराए। शिला ऐसी है कि तुम्हारी चुनरी को कोई नुकसान नहीं होता, फटती नहीं है। फटती किनकी है? जिनको ये बात पसंद नहीं आती वो दौड़ जाते हैं। क्या कहा मैंने? उनको भय लगता है
सत्संग से भय पैदा होता है कि इनको तो पता लग गया मेरे अंदर क्या है, वो नहीं टिकता, वो चला जाता है। मुझे कई दफा कई सचों के टेलीफोन आए, बाबा जी पर जानू दिलता करता बहुत बार, फिर मेरा मन बहुत खराब है, मेरे जाके उठे में कितना बैठे उन्होंने सामने क्या कहा। इंसान की कमजोरी खुद पता होती है ना, तो वो कहते हैं दाता दयाल वो ये ऐसी शिला है जहां तुम्हारी चुनरी बिल्कुल साफ हो जाएगी, तुम्हारे चुनरी गंदगी सारी दूर हो जाएगी और तुम बिल्कुल वैसे ही रहोगे, कोई उसका नुकसान नहीं होगा। तुम्हारा मन वही है लेकिन मन का पोचा फेर देता गुरु ने अपने शब्द नाल, तुम्हारे समझा दिया कि मन में क्या लाना है, मन में एक विश्वास लाना है। क्या विश्वास? दिल में रहे एक आस और विश्वास, दूजा कुछ भी नहीं। क्या? कि जो वो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है। जो हुआ ये दाता परमदयाल जी महाराज कहा करते थे कि अगर ये भी मान लो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। जब तुम ये विश्वास बना लोगे तो तुम्हारा कभी बुरा नहीं होगा। तो जरा करके देखो, तो ये मान लो कि जो वो कर रहा है मेरे भले के लिए कर रहा है, मेरा कोई बुरा होगा नहीं। गाड़ी पंचर हो गई तो खराब होया कि पता अगे जाती एक्सीडेंट हो जाता, सोचने की बात है, नहीं तो वही रोने लग जाओ खड़े होकर, उन मैं कितों ले आवा, उसको कहाँ से लाऊं, उसको कहाँ से लाऊं, किधर टायर खोलूं, ये करूं, सोचता है ना आदमी, बुरे बुरे ख्याल सोचता है। जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मैं उस मालिक की गोद में हूँ। ऐसे महसूस करो कि तुम उसकी गोद में हो, गोद में होगे तो गला लगा लेगा वो, ऐसे पकड़ लेगा तुम्हें, क्योंकि तुम साफ हो गए हो। मैं अपनी जीवन की बताता हूँ, मैं अपने जीवन की बताता हूँ, मेरे ऊपर परमदयाल जी महाराज कितनी कृपा करते थे। 79 में मैं बैसाखी पर्व 3 दिन पहले आ जाता था, तो हम बच्चे थे, 1979 की बात है, 3 बच्चे थे छोटे छोटे बच्चे, हमने रिक्शा किया, रिक्शे से आगे कोई गाड़ियाँ गुड़ियाँ थोड़ी थी, अब तो गाड़ियाँ बहुत है, तो आपको मिल जाएगी, टैक्सी भी मिल जाएगी, अब तो हर घर में 2-2 गाड़ियाँ खड़ी हैं। तो जब हम वहाँ उतरे उस अशोका दरख्त के नीचे, तो हजूर यहाँ बैठे थे इधर बरामदे में, यहाँ अकेले हुक्का पी रहे, उन्होंने देख लिया मुझे, मेरे सतगुरु ने मुझे देख लिया और सोटी उठाई और वहाँ पहुँच गए, मेरे पास पहुँच गए। मैं तुम्हें उनके दर्द की बात बता रहा हूँ, मेरे दाता मेरे प्रति कितना दर्द रखते थे, और मैंने जब चरण छुए तो मुझे कहते बेटा मुझे बड़ा अफसोस है कि इन मंदिर वालों ने तेरे लिए इस बैसाखी पर कोई जगह नहीं रखी, नहीं मेरे लिए कमरा हमेशा रहता था, एक कमरा मुझे मिल जाता था चाहे कहीं भी मिले, बात समझ गए। तो जैसे उन्होंने ये बात कही तो मेरा दिल भर आया, मैंने कहा पिताजी मुझे इस मंदिर में कुछ नहीं चाहिए, मुझे फिर केवल आपके चरणों की धूल चाहिए, बस इनसे मुझे लगाए रखना, मुझे कमरे नहीं चाहिए। तो उस वक्त दाता ने पता क्या किया, मुझे ऐसे जफ्फी डाल ली ऐसे, और ऐसे इंसान को जिसने जफ्फी डाली हो तो क्या मैं कभी कृतघ्न हो सकता हूं? मैं अपने बाबा फकीर का ही गुण गाऊंगा, उनकी वाणी का ही गुण गाऊंगा कि उन्होंने हमें क्या बताया, ए इंसान तू कुछ ना बन, तू इंसान बन जा, और दुनिया के लिए झंडा लगा गए कि ये इंसान बनो तो उन्हें कुछ नहीं होर मिलना, इंसान बन जाओगे तो मन साफ हो जाएगा। जब तुम समझोगे कि इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, इसमें भी वही है, तुम किसके साथ झूठ बोलोगे, किसके साथ हेराफेरी करोगे, अपने आप से करोगे, क्लियर हो गया मन, हम मानव है ही नहीं, कहीं तुम्हें इंसान देखने को नहीं मिलता है। मैं क्या कहा, कुछ ना कुछ हम बने हुए हैं, तो चुनरी गंदी रहेगी, जब हम इंसान बन जाएंगे तो चुनरी अपने आप साफ हो जाएगी।
इंसान जीव में भी उसको देखता है, जीव जंतु में भी उसको देखता है, पेड़ पौधे में भी उसको देखता है, सबको देखता है। क्या कहा मैंने, इसलिए सत्संग में आए हो, दर्द दिल सुनो क्या कहते हैं संत, क्या कहते हैं। चुनरी साफ हो जाएगी, मगर तुम इस ख्याल से तो आओ कि चुनरी साफ हो जाए, तुम्हारी मनोकामना अपने आप ही पूरी होगी। क्या कहा मैं, तुम्हें सोचने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा, मुझे मेरा जीवन मेरे सामने, जब से मेरे मन में गुरु का ख्याल आया मैंने कुछ भी नहीं किया। आपको मैं बता देता हूँ, मैं इस लकड़ी पर बैठा हूँ, मर बाप की जी की हाजी में बैठा हूँ, मैंने जिंदगी में कुछ भी नहीं किया, जो किया सो हर किया, उन्हें किया जो कुछ कर, और जो कर रहा है वो ही कर रहा है। क्या कहा, जब तक उसने करवाना करवा लेगा, नहीं तो गोद में ले लेगा, खत्म बात। पढ़ो आगे क्या कहते हैं। राधा स्वामी धोबिया न्यारा, राधा स्वामी धोबिया न्यारा, सद करंग दिलाए। अब क्या कहा, ये धोबी बड़ा न्यारा है, अजीब है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। जिसने किस रंग में तुम्हें रंग दिया, शब्द में रंग दिया, शब्दो धरती शब्दो काश, शब्दो शब्द भया प्रकाश। गुरु जो कहे सो सुन धर ध्यान, गुरु जो कहे सो हित कर मान। शब्द है वो शब्द है, उस शब्द को पकड़ो। मैंने शब्द को ही पकड़ा, दादा ने कह दिया, दो बातें कही मेरे जीवन में पर्सनली, जो मैंने उनके साथ जो मुझे आदेश हुआ, एक मैंने बेनती की, एक उन्होंने अपने आदेश से मुझे समझाया। क्या 1969 की बात, 1969 में, पहले भी कभी बता चुका हूँ, लेकिन सच्चाई को दोबारा रिपीट करना पड़ता है। जैसे बच्चे हैं ना, दो दुनी चार, तीन दुनी छः, चार दुनी अठ, याद करते फिर सारी उम्र नहीं भूलता, वो गुरुदार शब्द सारी उम्र नहीं भूलता। तो मैंने ऐसे, मैं पिताजी कभी कभी मेरे ऐसे ख्याल आ जाते हैं जो मुझे दुखी कर देता है, मुझे कई ऐसे ख्याल आ जाते हैं मैं दुखी हो जाता हूँ। तो मेरे सतगुरु महाराज कहते, मेरी आपस में बात हो रही है, वो सुन लो, गुरु के साथ मैं बात कर रहा हूँ, एक परम तत्व के साथ मैं बात कर रहा हूँ, अपने सतपुरुष के साथ बात कर रहा हूँ। तो मुझे कहते, बच्चा तू तो जवान है, 69 की बात है ना, यंग थे, मैं बूढ़ा हो गया, मुझे भी कभी ऐसे ख्याल आ जाते हैं जिसको मैं दुखी हो जाता हूँ। कितने सच्चे, कितने सत्य इंसान। फिर पलटी मारी, फिर कहा, बच्चा तुम बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं है। अगर तू उस ख्याल को बार 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 याद करेगा तो वो पौधा बन जाएगा, तेरा बुरा कर्म हो जाएगा। तुम सोच के देख लो, करके देख लो, कोई भी बुरा ख्याल ले लो, उसको सुबह शाम करो, ऐ कर लूँ मैं, ऐदा कर लूँ मैं, ऐदा कर लूँ मैं, ऐदा करूँ, तुझे कर लोगे, जरूर कर लोगे, कभी रुक नहीं सकते। तू बड़ा भाग्यशाली है कि तुम्हें पता लग जाता है कि ये ख्याल अच्छा नहीं। फिर अब बात चली, अब मुझे लाइन पर लाना की, उन्होंने सिक्का बताया कि बच्चा बता, अगर तू कोई पौधा लगाना हो घर में तो क्या करेगा। मैंने कहा, पिताजी मैं अपने पहले खड्डा खोदूंगा, घर में खड्डा खोदूंगा अच्छी जगह पर, फिर क्या करेगा, फिर मैं पिताजी उसमें खाद भी डालूंगा। अच्छा, फिर क्या करेगा, फिर मैं अपने मनपसंद का पौधा ले आकर उसमें लगाऊंगा। फिर क्या करेगा, फिर मैं पिताजी उसको देखभाल करूंगा, उसमें पानी डालूंगा और जानवरों से रक्षा भी उसकी करूंगा, और ताकि वो बड़ा हो जाए। तो मेरे सतगुरु ने मुझे कहा कि अगर तू उस पौधे को पानी ना दे, देखभाल ना करे, तो फिर क्या होगा। मैं कहा, पिताजी वो तो सूख जाएगा। बस कहते, बेटा ऐसे ख्याल को पानी नहीं देना, लो जिंदगी का राज मिल गया। उस ख्याल को दोबारा याद ही नहीं करना, की करना, गुरु को याद करना। वो ख्याल आ जाता है कि बाबा की ने मुझे ये कहा था, इन पानी नहीं देना, वो ख्याल शाम तक खत्म हो जाता है, दोबारा आंदा ही नहीं, क्यों मैं पानी नहीं देता, मैंने बाबा फकीर मेरे नहा है। क्या कहा मैंने, तो
तो जो शब्द है वो तुम्हारे साथ है, गुरु नहीं साथ, गुरु की वाणी साथ है। इसलिए मेरे सतगुरु बाबा फकीर जी महाराज कहा करते थे, अगर तुम मुझे फकीर चंद बल बंद मस्तराम समझ के मेरी पूजा कर दे हो, मैनू कपड़े दिंदे हो, और तुम अब तुम पार नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे, नहीं जा सकोगे, तुम्हारे तुम्हें पार मेरे वाणी ने करना है, मेरे शब्द ने करना है, मेरे वाक ने करना है, जो मैं कहता हूँ उसको अपने अंग लगा लो, तुम पार हो जाओगे। इसलिए तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज में लिखा है, वाणी गुरु, गुरु है वाणी, बिच वाणी अमृत सारे, वाणी में सारे अमृत हैं, मगर क्या हम वाणी को वाणी समझ के अपने अंदर उतारते हैं? नहीं उतारते। इसलिए आज ये शब्द निकला, एक कबीर साहब का शब्द निकला, उसने मुझे प्रोत्साहित किया। फिर दादा दयाल जी का परसों शब्द आया, आहा ये तो बहुत बढ़िया हुआ, मुझे तो धोबी ऐसे मिला कि महल हूँ लगती नहीं है। क्या कहा मैंने, चुनरी को महल लगती न क्यों लगेगी, बाबा जी का साबुन जो नाल है, कौन सा साबुन, उनकी वाणी का शब्द, उनकी वाणी का साबुन, उनका शब्द जो मुझे मिला वो मेरे साथ रहता है। इसलिए है प्यारे सत्संगियों, आप दूर दूर से आते हो, क्या ख्याल से लेके आते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जे जरूर चाहता रहता हूँ कि जिस ख्याल को तुम लेके आते हो, जिस कामना को लेके आते हो, मेरे सतगुरु उसको पूरी करें, ताकि तुम्हारी कामनाएं खत्म हो जाए और तुम्हारा जीवन सुखी हो जाए, रोज रोज का मंगनाएं खत्म हो जाए। गुरु मिला तो कहा कमाना हो, जब गुरु ही मिल गया फिर कम की करना, फिर आपे करी जाता हो, करे करावे आपे आप, मानस देखे कुछ नहीं। हाथ तो मैंने बहुत कुछ आज आपको कह दिया है, आप लोग सुखी रहो, आपके घरों में सुख रहे, शांति रहे, आपको तंदुरुस्ती मिले, आपको खूब धन मिले, धन खूब मिले, लेकिन धन के साथ तंदुरुस्ती जरूर मिले। ये नहीं को धन आया तो वो फिर उधर जाए, मैसी में जाए, जा बड़े बड़े हॉस्पिटल बन गए ना। महाकलाल की कमाई कभी भी बीमारी नहीं लाएगी, ज्ञान याद रखना। आज बीमारियां क्यों बढ़ गई, पैसे हेरा फेरी दे ज्यादा आ गए, हेरा फेरी दे पैसे आते हेरा फेरी खान लग गए, जरा दिल कीता खा लिया। बड़े बड़े होटलों च कौन जाते हैं, हक्का लाल की कमाई का आदमी कोई नहीं जाता, आपको मैं बता देता हूँ। हक्का लाल की कमाई का आदमी बड़े होटल में जाकर रोटी नहीं खा सकता, वही जाएगा जिसके पास ये नंबर दो, और वो खाएगा, फिर वो खाएगा जो चीज जो शरीर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि हकलाल की कमाई तो गलती चीज खिलाएगी ना, वो फिर बीमार होगा, फिर कहाँ जाएगा, अपोलो में, फिर वहां जाना पड़ेगा। मैंने नुक्ता बता दिया, मेरी फिर शुभ भावना आप लोगों को, खुश रहो, सुखी रहो, मैं चाहता हूँ तुम्हें किसी भी बात की कमी ना रहे, सबको मेरा बहुत प्यार भरा, राधा स्वामी, राधा स्वामी, राधा स्वामी।